अनुपम खेर कुछ हफ्तों से अपनी आगामी फिल्म द सिग्नेचर का फिल्मांकन कर रहे थे। अभिनेता ने फिल्मांकन पूरा कर लिया है और फिल्म के पोस्टर की शुरुआत की है। उन्हें एक बुजुर्ग कार्यालय कर्मचारी के रूप में चित्रित किया गया है जो एक बैग लेकर सड़क पार करने वाला है, बाएं कंधे और दूसरे में एक छाता। सिग्नेचर, जिसमें महिमा चौधरी भी हैं, उनके अनुसार अभिनेता की 525वीं फिल्म है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गजेंद्र अहरे ने फिल्म का निर्देशन किया, जिसे केसी बोकाडिया द्वारा निर्मित किया गया था। यह एक आम आदमी की हार्दिक कहानी के रूप में बिल किया गया। रणवीर शौरी, नीना कुलकर्णी, मनोज जोशी और स्नेहा पॉल भी अभिनय करते हैं। इस फिल्म के साथ महिमा ने बॉलीवुड अभिनय में वापसी की। फिल्मांकन के दौरान महिमा के कैंसर संघर्ष की खबर टूट गई। महिमा ने बात की थी अनुपम और महिमा द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में उनके कैंसर निदान के बारे में। उन्होंने खुलासा किया कि जब वो अस्पताल में थी तो अनुपम ने उन्हें अपनी फिल्म में अभिनय करने के लिए कहने के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें वेब कार्यक्रम और फिल्में बनाने के प्रस्ताव मिल रहे हैं, लेकिन एस वो हाँ नहीं कह सका क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। बाद में वो रोने लगी और उसने खुलासा किया कि उसने अनुपम से पूछा था कि क्या वो विग के साथ फिल्म कर सकती है क्योंकि इलाज के कारण उसके बाल झड़ गए थे। अनुपम ने उनके साथ अपने फोटोशूट का एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें हीरो शब्द था। लेखक ने लिखा, अनुपम को आखिरी बार विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स में एक कश्मीरी पंडित के रूप में देखा गया था। यह तस्वीर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी जिसने दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक की कमाई की। समर्पित विशेषज्ञ जो सिनेमा और टेलीविजन उद्योगों को उनकी महिमा के साथ कवर करते हैं। राय, समीक्षा और ब्रेकिंग न्यूज की अपेक्षा करें।